हेलो फीफा लवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में, मतलब व्हाई पीपल हेट ज्ञान सूजन। सो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक हम लोग फुल कवर करने वाले हैं। जितने भी फ्री फायर प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ लोग क्यों हेट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ज्ञान सूजन को क्यों हेट करते हैं, क्यों इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है ज्ञान सूजन को। सो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं, सो वो पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ एंड फिर आप लोगों को बताऊंगा कि लोग इतना ज़्यादा रोस्ट एंड हेट क्यों करते हैं ज्ञान सूजन को। सो अगर आप लोग ज्ञान सूजन के फैन हो या फिर फ्रेंड्स आप लोग हेटर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये पॉइंट्स मेरे नहीं है, मतलब मैं इनको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ ज्ञान सूजन भाई को। ये जितने भी पॉइंट्स जो लोग कहते हैं ज्ञान सूजन के बारे में, वो पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था टोटल गेमिंग के ऊपर, उसमें कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं टोटल गेमिंग को रोस्ट कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। सो गाइस ऐसा मत समझना कि मैं ज्ञान सूजन को रोस्ट कर रहा हूँ। सो आप लोग पहले ये बात ध्यान रखना, फिर आप लोग वीडियो आगे देखो। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों को टाइम वेस्ट किए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक ऐप के बारे में बता दूं, अगर आप लोगों को फ्री डायमंड्स या फिर डीजा लोग लेना है तो आप लोगों को ये ऐप बेस्ट रहेगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग इस पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप लोग इस पर रजिस्टर कर लो। सो इस ऐप में रजिस्टर करने के बाद आप सबको कुछ ऐप्स यहाँ पर रिकमेंड करेगा, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेंगे इसमें पॉइंट्स, जो कि आप सीधा अपने डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को इस ऐप में ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीपीएन का लिंक मिलेगा, उस वीपीएन को अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा के सर्वर से कनेक्ट करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने जमा किए यहाँ पर आप लोगों को डायमंड्स यहाँ पर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो अपनी फ्री फायर की यूआईडी डाल के। आप लोगों को रिडीम जैसे भी क्लिक करोगे आप लोगों का डायमंड आपके आईडी में सेंड हो जाएंगे। सो ज़्यादा झंझट नहीं है, एकदम वैलिड ऐप है फ्रेंड्स, कोई भी फ्रॉड नहीं, एकदम रियल ऐप है। सो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन मिल जाएगा। सो आप लोग जल्दी जाओ एंड डाउनलोड कर लो। सो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रोवर्सीज। सो गाइस ऐसा माना जाता है फ्री फायर कम्युनिटी में कि ज्ञान सूजन कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज ज्ञान सूजन की तरफ से होती है। सो ऐसे बात लोग कहते हैं। सो इस बात पे अपना क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज तक ज्ञान सूजन के द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज की गई है। सो हमारी सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्सी आती है फ्रेंड्स टू साइड गेमर के साथ। तो वैसे अभी हम लोगों की खेलने का औकात नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास हम लोग फोन में खेलना नहीं है, इसलिए हम लोग का औकात नहीं है। तो टू साइड गेमर्स एंड ज्ञान सूजन कॉन्ट्रोवर्सी में हुआ ऐसा था, टू साइड गेमर गए थे एक ग्लोबल टूर्नामेंट खेलने जो कि हुआ था इंडोनेशिया में। उसमें हमारे जो टू साइड गेमर्स की जो स्क्वाड था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था, उस पर से ज्ञान सूजन ने उन्हें लाइव स्ट्रीम में कुछ तो भी कहा था। सो हमारी सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्सी थी टू साइड गेमर के साथ। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी जो ज्ञान सूजन ने की थी, वो थी फ्रेंड सुदीप सरकार के साथ। रात में ऑफलाइन मिले थे सुदीप सरकार, उसके हम कह के ले लिए, समझ रहे हो? तो बाप बाप होते हैं, बेटा बेटा होता है, तो गाली हर बंदे गाली देना होते हैं, गाली जो सहन सहने बाद होती है ना वो असली सर होती है। टू साइड गेमर के बाद ज्ञान सूजन ने कॉन्ट्रोवर्सी की थी सुदीप सरकार के साथ। इसका रीजन तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीने हो गए इस बात को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। हमारी नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बिलाज गेमिंग के साथ। टू साइड गेमर एंड सुदीप सरकार के बाद ज्ञान सूजन कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था बिलाज गेमिंग के साथ। इसका भी रीज़न मुझे अननोन है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ इस पर रिसर्च नहीं करी है। यहाँ पर इसका भी रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था इन दोनों का और बहुत दिनों तक चला था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी आती है जो कि अभी रिसेंटली हुई है ज्ञान सूजन एंड टोटल गेमिंग के बीच में। ज्ञान भाई अज्जू भाई ओपी अज्जू भाई गांड के भोसड़ी के रेंजर सब है तुम्हारा अज्जू भाई। तुम्हारा अज्जू भाई जिंदगी में तुम लोगों को क्या दिया? लंड। तुम लोगों को गिवे में क्या दिया जिंदगी में? लंड दिया तुम लोगों को? कभी जिंदगी में दिया तुम लोगों को किसी कुछ दिया तुम लोगों को? लंड दिया तुम लोगों को, एक एक करके लंड दिया। हमने पूछना क्या वो पूछ अज्जू से पूछना, अज्जू भाई तुम सबसे पहले क्या किया? बोलना लंड दिया हम लोगों को, ऐसा पूछना। अज्जू भाई बोलेगा मैं अपने लोगों को लंड दिया हूँ लंड। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया टू साइड गेमर, सुदीप सरकार, बिलाज गेमिंग, टोटल गेमिंग, इन सब के साथ ज्ञान गेमिंग की कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इसलिए मैंने चार इंक्लूड किए, इसके अलावा मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जिसका जैसे ज्ञान सूजन को इतना हेट मिला जो कि फ्रेंड्स कॉन्ट्रोवर्सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्श एंड टॉक्सिक लैंग्वेज, मतलब जब लाइव स्ट्रीम चलती रहती है ज्ञान सूजन की तो ज्ञान सूजन गाली गलौज वाले शब्द यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत लोग इनको हेट करते हैं क्योंकि जब भी इनकी लाइव स्ट्रीम चलती रहती है गाली देते हैं कुछ
कुछ अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान सुजन को हेट करते हैं, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है ज्ञान सुजन को। फ्री फायर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनमें से कोई भी बंदा जो गाली नहीं देता है अपने लाइव स्ट्रीम पे, बट जो ज्ञान सुजन है वो कभी कभी मतलब ज्यादा गाली देते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में, इसलिए बहुत सारे लोग उनको हेट करते हैं। तो ये थे दो मेन टॉपिक, अब बात करते हैं थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक के बारे में। हमारा थर्ड पॉइंट आता है शॉर्ट टेम्पर्ड। उनका जो गुस्सा है उनको बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, क्योंकि किसी बार भी गुस्सा इनको इतने ज्यादा जल्दी आ जाता है, इसलिए लोग उनको इतना ज्यादा हेट करने लगते हैं। इस बात का प्रूफ आपको लोगों को देने की जरूरत नहीं है शायद मुझे, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज के आप लोगों ने वीडियोस देखे, उसमें उनको इतने ज्यादा जल्दी गुस्सा आ गया था कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी, छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई। सो आप लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो गाइस यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे जिसके वजह से लोग उनको हेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कॉन्ट्रोवर्सी। तो आप लोगों ने देखा, मैंने पूरे आप लोगों को वीडियोस दिखाए कि ज्ञान गेमिंग ने कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी किस किस यूट्यूबर के साथ की थी, एंड उसके रीजन बताए। कुछ कुछ रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन मैंने बता दिए कि क्यों कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। सो फर्स्ट पॉइंट था कॉन्ट्रोवर्सी एंड टेम्पर। गाइस उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एंड हार्श एंड टॉक्सिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ज्ञान भाई। सो इसलिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये पॉइंट्स से ज्ञान से उनको हेट एंड क्रिटिसाइज किया जाता है। सो अगर आप लोग ज्ञान से उनके फैन हैं तो इस वीडियो को गलत वे में मत लेना, क्योंकि ये नॉर्मल मैंने दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो भी लोग बताते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि हाँ इस बात पे से हम ज्ञान से उनको हेट करते हैं, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड किए। सो आप लोग ऐसा मत समझना कि ये सब पॉइंट्स मेरे हैं, मैं ज्ञान से उनको हेट करते हो। सो आप लोगों को बता दूँ, मैं ज्ञान से उनको बिल्कुल भी हेट नहीं करता, मैं भी उनका मतलब फैन हूँ, एक टाइप का फैन ही हूँ, तो मैं उनका हेट नहीं करता। सो आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं ज्ञान से उनको किसी भी तरीके से हेट करता हूँ। सो गाइस यही थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसके से लोग ज्ञान से उनको हेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े पॉइंट्स थे। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो जाना सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना। सो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।